चिंता से छुटकारा पाना। इस वायरस के उत्पात के तहत क्या आप चिंता से दबे हुए हैं? कुछ लोगों को चिंता है कि वे टॉयलेट पेपर खरीद नहीं सकते, कुछ अपनी नौकरी खोने से चिंतित हैं, और बहुत से अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, और कुछ अपने बच्चों की भविष्य की शिक्षा के बारे में दुखी हैं। भीतर की चिंता एक गहरे गड्ढे की तरह है जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बर्बाद करती है। बाहर के इस वायरस से हम अपने घरों में छिप सकते हैं, मगर भीतर की चिंता से कोई बचाव नहीं है। हमारे पास इस दुनिया में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। चिंता से कोई कैसे छुटकारा पा सकता है? प्रभु यीशु ने कहा, अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना ही अपनी देह के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से या देह वस्त्र से बढ़कर नहीं? पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। क्या आप जानते हैं कि आपका एक स्वर्गीय पिता है? वह आपके बारे में चिंतित है और लगातार आपकी परवाह करता है। वह आपके संघर्षों को जानता है और आपकी हर जरूरत को जानता है। आप उसके पास जा सकते हैं और उसे अपने दिल की हर बात और वो सब कुछ बता सकते हैं जो आपको परेशान करती है। बाइबल कहती है, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। शांति का ये परमेश्वर ना केवल आपको दूर से देख रहा है, वह आपके हृदय में आने के लिए और आपकी आंतरिक शांति बनने के लिए भी तैयार है। आपको बस उसे ग्रहण करने की आवश्यकता है और वह आपको आपके भीतर की चिंता से छुटकारा दिलाएगा, आपकी चिंताओं को हल करेगा और आपको शांति और आनंद देगा।